हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूरण प्रकाश, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन के बारे में, जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और ये फोर्थ सेमेस्टर का जो कोर सब्जेक्ट है साथियों, उसमें से एक है जिसका सिलेबस हमारा BCE 403 है। इसके साथ इसके पहले मैंने साथियों आपको बताया हूँ कि हाँ, मैंने यहाँ पे यूनिट वन डिस्कस कर चुका हूँ और यूनिट टू का भी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दिया है, जो आपको सिर्फ एक वीडियो में आपको कवर कर दिया गया, क्योंकि साथियों इसमें से कुछ पार्ट्स आपको यूनिट वन में ही मैंने डिस्कस कर दिया था, जैसे आपको स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन था, ठीक है, और जो थ्योरी में मैं डिस्कस कर दिया हूँ, तो आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना आपको कवर कर लीजिए, बिल्कुल ज़रूरी है, इतना ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारा ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो का न्यूमेरिकल। यहाँ पे मैं आपको 3 to 4 न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको एग्जाम में इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आप छोड़े ना, आप उसको सॉल्व करके ही आए, ठीक है। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड होते हैं। अब अगर कॉन्सेप्ट समझना है, चीज़ें समझनी है, कैसे फार्मूले को अप्लाई करना है, कहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगाना है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले ही न्यूमेरिकल से। मैं न्यूमेरिकल लगाने स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरा पुराना सिलेबस का वीडियो है वो देख रहे हैं, जो पूरी तरह से अपडेटेड हो चुका है, मतलब कि वो जो हमारे कैरी ओवर पेपर हैं सिर्फ उनके लिए है, इसलिए मैं उसको प्लेलिस्ट को हाइड नहीं किया हूँ, ठीक है। तो आप जो न्यू स्टूडेंट हैं अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, ये न्यू प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए, जिसका लिंक पूरे पार्ट की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपके सारे वीडियो के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से कॉपी करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, जिसका टेलीग्राम पर चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको ये सारे लिंक्स वीडियो सारे कुछ मिलते रहें आपको, ठीक है, और सारे वीडियो बहुत ही जल्द आपको देखेंगे, आपके पूरे प्लेलिस्ट तैयार मिलेगी आपको। तो ये शुरू करते हैं और आज हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, मतलब पहला प्रॉब्लम है, वो है इनर रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ ऑफ 24 मीटर, ठीक है, एंड डेप्थ ऑफ 6 मीटर। जो रेक्टेंगुलर चैनल है उसका विड्थ 24 मीटर है, डेप्थ हमारा 6 मीटर है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मतलब डिस्चार्ज दिया हुआ है 86.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमको बेड स्लोप दिया गया है कितना 1 in 4000 का, फाइंड द स्लोप ऑफ फ्री वाटर सर्फेस, ठीक है। फ्री वाटर सर्फेस मैंने आपको बताया ना, यूजुअली वेरिएड फ्लो में आपको फ्री वाटर सर्फेस आपको कुछ मिलता है, ठीक है, उसका स्लोप होता है, और द टेक चेंजिंग कांस्टेंट C=60, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ पर साथियों स्लोप ये देखिए, आप सारी चीज़ वैसे ही करने वाले हैं जैसे आप नॉर्मली करते हैं। आइए हम एक एक चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है वो आप देख लीजिएगा, बी हमको दिया हुआ है बेस, जो विड्थ ऑफ चैनल है 24 मीटर, डेप्थ ऑफ फ्लो हमको दिया हुआ है 6 मीटर, रेट ऑफ फ्लो आर डिस्चार्ज दिया 86.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बेड स्लोप साथियों यहाँ देखिएगा SB, बेड स्लोप हमको दिया है 1/4000 का, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है बेड स्लोप 0.00025, और चेजी कांस्टेंट हमको दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी वही चेजी फार्मूला ही लगाएंगे, ठीक है, एनर्जी लाइन के लिए भी, तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे चेजी कांस्टेंट हमको दे रखा है, अब आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस हमको dy/dx निकालना है, ठीक है। कि देखिए आपको, आपने जब मैं बताया था तो आप कुछ यहाँ पे कोई डैम बनाया था, ठीक है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से कुछ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक डेप्थ यहाँ मिलती थी, एक डेप्थ यहाँ मिलती थी, इसका जो स्लोप है, इस वाटर का जो स्लोप है वो आपको देखने को मिलना है। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे dy/dx, मतलब कि डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ और यहाँ पे डेप्थ क्या था और इसकी डिस्टेंस क्या थी, इसी को हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के डिफरेंस से निकालेंगे वाटर सरफेस का हमारा स्लोप, ठीक है। तो हमारा डिस्चार्ज अगर हम बात करें, डिस्चार्ज की बात करें तो क्या होता है, Q = एरिया * वेलासिटी, एरिया हो गया जो वेलासिटी है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, चेजी का जो फार्मूला है C×R×S। देखिए यहाँ पे आपको कई बार कन्फ्यूजन होगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कहीं पर आपको देखो जो हमारा चेजी फार्मूला था वो हमने क्या बताया था, V = C×R×S, ठीक है। जो फार्मूला जो हमने पहले डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हम यहाँ पे लेते थे बेड स्लोप, ठीक है, और एज वेल एज ये फार्मूला अप्लाई है हमारा इस वाले स्लोप के लिए, तो कहीं कहीं आपको एनर्जी लाइन के लिए, ठीक है, जब स्लोप आपको एनर्जी लाइन निकालनी पड़ेगी तो वहाँ भी आपको ये रखना पड़ेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, V = C×√R(S), यहाँ पे E हो जाएगा, ठीक है, जो हमारी एनर्जी लाइन की बात होगी। तो मैंने आपको ग्राम बताया था एनर्जी लाइन कैसे होगी, यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन आएगा, यहाँ पर कुछ बढ़ेगा,
तो एनर्जी लाइन का भी हमसे यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर चेजी फार्मूला रखा, एरिया इंटू सी इंटू आर इंटू एस बी, इसलिए यहाँ पे बी और ई आप देखेंगे तो दोनों आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो एरिया ऑफ फ्लो अगर हम निकालें तो बी इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल है, तो 24 इंटू सिक्स ये हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। और हाइड्रोलिक रेडियस आपको साथियों फिर बता दूँ, यदि आप हाइड्रोलिक रेडियस फार्मूला बोलते हो तो आपको याद रखना चाहिए हरी अयोध्या प्रसाद, ठीक है, हरी अयोध्या प्रसाद, ये नाम तो याद रख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल ट्रिक है, कोई यहाँ पे लिखे नहीं है, यहाँ लिखेगा हरी डिवाइडेड, ठीक है, आप लिख ही जाएंगे तो यहाँ पे एच हमारा हो जाएगा एच इक्वल टू एच हरी, मतलब क्या हाइड्रोलिक रेडियस, इसको आप चाहे हाइड्रोलिक रेडियस से यहाँ पर लिख लीजिए, हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू मतलब कि यहाँ पे एरिया इंटू पी पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू ए बाई पी, एरिया हमने निकाल लिया कितना है 144, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका वेटेड पेरीमीटर आपको पता होगा कितना होता है, यहाँ पे हो जाता है क्या ये बी और ये वाई और ये वाई, ठीक, कितना आपका वाटर फिल हो रहा है, ठीक है, तो बी प्लस टू वाई यहाँ पे लिखा गया, तो 24 प्लस टू इंटू सिक्स, यहाँ पे टू वाई है, टू इंटू सिक्स इक्वल टू 4 मीटर, तो आपका हाइड्रोलिक रेडियस निकल के आ गया। आइए हम सभी चीज़ों को वैल्यू में पुट करते हैं, ठीक है, ये बोला गया, देखिए अभी मैं आ रहा था ना, यहाँ पे यदि आपको एनर्जी लाइन भी आपको यदि डिफाइन करनी है तो आप इसी फॉर्मूले से रख पाएंगे, इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं एनर्जी लाइन की, तो यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज कितना दिया गया है, क्यू इक्वल टू 86.4, ठीक है, यही सारा चीज़ फॉर्मूला हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, क्या क्या रख रहे हैं देखिएगा, यहाँ पे 144 हमारा हो गया एरिया, और हमारा क्या हो गया 60 हमारा हो गया यहाँ पे जो चेजी कंटेंट दिया था, ये 4 हमारा हो गया हाइड्रोलिक रेडियस, और यहाँ पे बेड स्लोप मैंने बताया ना, बेड स्लोप रख रहे हैं, यहाँ पे हमको एनर्जी लाइन रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमको दोनों चीज़ यहाँ पे बेड स्लोप दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी स्लोप निकालना है हमको यहाँ से, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आ गया 144 मल्टीप्लस 60 क्या आया 120,280 रूट ऑफ एस ई, इसको भी सॉल्व किया तो बाहर आ गया 2 हो जाएगा, यहाँ पे एस ई इक्वल टू निकल गया 86, देखिए यहाँ पे 86.4, और यहाँ पे इधर आ जाएगा डिवाइडेड, ठीक है, का होल स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आएगा सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 0.00025, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 0 थे, यहाँ पे 4 0 ध्यान दीजिएगा 0.00025। अब यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी एस, जो हम यहाँ पे एनर्जी लाइन निकालनी है, जो स्लेप हमको स्लोप ऑफ द वाटर सरफेस निकालना है डी वाई बाई डी एस, ठीक है, हमारा लेंथ के जो हमारा लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना हमारा डेप्थ ऑफ वाटर हमारा कितना वेरी कर रहा है उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एस, और वही हमारा हो जाएगा फ्री वाटर सरफेस। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो आपको ड्राइव करवाया था मैं आपको याद होगा वीडियो में, वो हमारा एस बी माइनस ए सी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई जी बाई, साथ ही यहाँ पे अगर हम आप देखें वहाँ पे एस नॉट में लिखा था, ठीक है, तो हमारे कहते हैं नॉर्मल स्लोप मतलब वही बेड स्लोप था, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा थोड़ा और आसानी के लिए यहाँ पे हम मान रहे हैं एस बी जो हमारा बेड स्लोप माइनस एनर्जी स्लोप अपान 1 माइनस वी स्क्वायर बाई जी बाई। तो आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमारा जो बेड स्लोप यहाँ था 0.00025 और एनर्जी स्लोप हमने यहाँ पे निकाला 0.00025, ठीक है, 0.00025। अब 1 माइनस वी स्क्वायर यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिएगा, वेलोसिटी शायद दे रखी है नहीं दे रखी है, ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्यों इक्वल टू हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, तो हम हमारा अगर वी निकालेंगे तो क्यों एरिया सॉरी वेलोसिटी निकालेंगे तो एरिया इंटू सॉरी यार सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, डिस्चार्ज हमारा था 86.4 और हमारा यहाँ पे बेड्स एरिया हमने निकाला था यहाँ पे 144, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.6, वेलोसिटी पर निकल के आएगा 0.6, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर जी वाई, जी की वैल्यू 9.81 और वाई हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो हमारा है 6 मीटर, इसको हमने यहाँ पे पुट अप किया, साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने फालतू आपको प्रदान किया, यहाँ पे इन्होंने सॉल्व भी किया है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस सिचुएशन को आप याद रखिएगा इस फॉर्मूले को जो हमारा फ्री वाटर सरफेस निकाले, तो डी वाई बाई डी एक्स कहीं कहीं आपको डी वाई बाई डी एल भी देखने को मिलेगा, तो मैं मतलब यहाँ पे जो एक्स है या फिर एल है जो मेरी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है उसको यहाँ पे कवर करता है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है, इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.00026, तो यहाँ पे देखिए साथियों ये भी हमारा मीटर था डेप्थ और यहाँ पे जो लेंथ है वो भी मीटर, इसलिए यहाँ पे जो स्लोप निकल के आता है वो हमारा कैसा होता है डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है।
थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे एसी कैसे हो गया, यहाँ पे एसबी कैसे हो गया, तो नॉर्मल फॉर्मूला था, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी लाइन का जब हम निकालते हैं एनर्जी पे, तो वहां भी हम क्या चेजी फार्मूला यूज कर लेते हैं, बस यहाँ पे जो स्लोप होता है वहां पे एनर्जी स्लोप हम रख देते हैं, ठीक। ये बात करते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारा क्या है, ए वाइड चैनल लेड टू अ स्लोप ऑफ 1 in 1000। यहाँ पे क्या साथ ही है, बेड स्लोप भी मिल गया आपको, ठीक है। ए डिस्चार्ज ऑफ 3.5 m³/s, सॉरी देखिए यहाँ पे अभी ऐसे मत रखिएगा, 3.5 m³/m² दिया था, तो यहाँ पे देखिएगा अधिकतम डिस्चार्ज क्या देता है, 3.5 m³/s दिया, तो तुम्हारा कैपिटल क्यों होता, बट यहाँ दिया पर मीटर विड्थ, यहाँ पे स्मॉल क्यों डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे होता है ना डिस्चार्ज होता है पर मीटर विड्थ में दिया, तो इसको हम स्मॉल क्यों से डिनोट करते हैं। एट अ डेप्थ ऑफ 1.6 m, ये हमारा डेप्थ दिया है हमारा वाई, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेंज इन कांस्टेंट, सी कंसीडर द फ्लो इज यूनिफॉर्म, ठीक। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इसमें आगे क्वेश्चन और दिया है, तो यहाँ पे साथ ये तो हो गया कि यहाँ पे एक चेंज फॉर्मूला निकालना है जब हमारा फ्लो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और बोलता है इफ द एक्चुअल डेप्थ वेरीज फ्रॉम 1.5 m एंड अपस्ट्रीम लोकेशन, मतलब कि एक अपस्ट्रीम लोकेशन पे यहाँ पे देखा जाता है, तो वहां पे डेप्थ मिलता है 1.5, और वहीं पे उस लोकेशन से 300 m यदि हम डाउन स्ट्रीम में जाएं, तो वहां पे हमको जो डेप्थ मिलती है वो मिलती है 1.7 m, ठीक है। तो बोल रहा है या फिर बोल सके इन अदर वर्ड्स द फ्लो इज ग्रेजुअली वेरिड, मतलब कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रहा है, तो फ्लो हमारा कैसे हो जाएगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो वहां बोला गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन कोएफिशिएंट, यहाँ पे दो ऑप्शन, दो पोर्शन है, एक हमारा जब फ्लो यूनिफॉर्म है तब हमको चेंज इन कांस्टेंट निकालना है, दूसरा जो हमारा जेवीएफ फ्लो है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, तो हमारा चेंज इन कांस्टेंट कितना होगा। तो आइए हम पहले ये वाला पोर्शन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया गया था एस बी इक्वल टू डेप्थ जो बेड स्लोप है 1 in 1000, डिस्चार्ज दिया गया था, तो ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल क्यों है, कैपिटल क्यों नहीं है, तो मतलब कि ये क्यों इक्वल, जो स्मॉल क्यों है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ जो स्मॉल क्यों है ये होता है कैपिटल क्यू बाई बी, ठीक है, पर मीटर विड्थ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी क्यों स्मॉल क्यों लिखा गया, मतलब कि ये वाला इतना हमारा उसमें इसको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आता है स्मॉल, ठीक है, 3.5 m³/s पर मीटर विड्थ। डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ पे है 1.6, वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे समझिए फॉर्मूला कैसे है, अगर हम वेलोसिटी निकालना ना, देखिए क्यू इक्वल टू हमारे क्या होता है, एरिया इंटू वाई, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी, सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू क्यू अपान बी इंटू वाई लिखते हैं ना, तो क्यू अपान बी इक्वल टू हमारे कितना है स्मॉल क्यू, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल क्यू अपान डेप्थ ऑफ फ्लो, ये आपको समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखा गया है डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ में क्यू बाई वाई, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हो जाता है 3.5 / 1.6, तो ये हमारे निकल के आता है 2.1875 m/s। हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है तो आर इक्वल टू ए वाई पी, एरिया हमारा बी इंटू वाई, और पेरीमीटर हमारा रेक्टेंगुलर चैनल है वाइड है, तो यहाँ पे बी प्लस टू वाई, तो इससे हम निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक रेडियस निकल के आएगा जो हमारा निकल के आता है 1.6, ठीक है, यहाँ पे निकल के आता है हमारा। और ध्यान दीजिएगा फॉर अ वाइड चैनल द विड्थ ऑफ बे ऑफ द स्ट्रीम इज लार्ज इन कंपेरिजन टू डेप्थ ऑफ फ्लो वाई, तो देयर फोर यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा एज्यूम किया गया है, आप इस पे निकाल लेंगे थोड़ा सा वैल्यू तो अलग है, बट यहाँ पे एज्यूम किया गया क्या कि जो वाइड चैनल होते हैं, ठीक है, वहां पे हमारा जो विड्थ होता है स्ट्रीम का, ठीक है, स्ट्रीम का विड्थ होता है वो डेप्थ ऑफ फ्लो कंपेरिजन में काफी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया वाई को यहाँ पे निगलेक्ट माना है, वाई को यहाँ पे उन्होंने निगलेक्ट माना, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू क्या हो गया बी इंटू वाई अपान बी, ठीक है, जब काफी ज्यादा, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए 30 m है, ठीक है, ऐसे चौड़ाई में 30 m जा रहा है और यहाँ पे हाइट हमारा 1 m ही है, तो उसके कंपेरिजन में हमको बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, तो यहाँ बोला गया वाई, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू हमारा माना गया कि हाइड्रोलिक डेप्थ ही है, तो यहाँ पे 1.6 m हमारा ये आया, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, अब चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या किया गया,
कि v इक्वल टू c रूट ऑफ r इंटू इस p, ठीक है। अब यहाँ पे बेड स्लोप रखा गया, चलिए हम सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी हमने निकाला था 2.1875, ठीक है। चेंज इन कांस्टेंट हमको निकालना है, हाइड्रोलिक रेडियस हमने यहाँ से निकाला 1.6 मीटर इंटू बेड स्लोप हमारा 1/1000 का दिया है, तो यहाँ से हमारा 0.04c। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सी इक्वल टू आएगा 2.1875 डिवाइडेड बाई 0.04, तो हमने सॉल्व किया तो आया 54.68। तो ये हमारे यूनिफॉर्म वाले कंडीशन में हमारा आ गया चेंजिंग कॉन्स्टेंट, बट अभी हमको एक ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो में भी चेंजिंग कॉन्स्टेंट निकालना है। और साथियों मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हमारा जो विड्थ था वो दिया नहीं था, इसलिए हमने ये कंडीशन अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा विड्थ देता तो हम यहाँ से हाइड्रोलिक रेडियस निकाल के ये वाला भी हम रख सकते थे, ठीक है। अब चलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पे हम जो निकालेंगे वहाँ पे जो एनर्जी स्लोप होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा वहाँ पे हम यहाँ रखेंगे एनर्जी स्लोप, ठीक है। यहाँ पे हमने विड्थ स्लोप रखा था, बट यहाँ पे कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी स्लोप रखेंगे, तब हमको जा करके हमारा जो चेंजिंग कंस्टेंट है वो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस डी वाई बाई डी एल। अब डी वाई क्या है, जो हमारा डेप्थ डिफरेंस है हमारा डेप्थ ऑफ में एलॉन्ग टू द लेंथ। तो यहाँ पे एक जगह था अपस्ट्रीम में 1.7 और एक तरफ था 1.5, और ये डिफरेंस कितने में हो रहा था 300 मीटर में। तो ये जो स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस हमको मिला वो मिला 0.00006667। अब हम इसको एवरेज डेप्थ निकालना है, ठीक है, एवरेज पे हम सारी चीज़ें बात करेंगे एवरेज पे। नहीं तो हमको क्या करना होता, किस पर हम एनर्जी लाइन निकालते, इस पर एनर्जी वाई वन पर एनर्जी निकालते, वाई टू पर एनर्जी निकालते, तब जाकर सॉल्व करते, बट हम एवरेज फ्लो डेप्थ निकाल करके हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। एवरेज फ्लो डेप्थ कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, तो 1.7 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 1.6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी एट एवरेज फ्लो डेप्थ वही है, देखिए कैसे हमने निकाला, सेम चीज़ भाई कि डिस्चार्ज हमको डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ हमको 3.5 मीटर दिया गया है, हमने यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो निकाला 1.6, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला को मैंने रखा है, यहाँ पे इस वाले डेप्थ ऑफ फ्लो को रखा है 1.6। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बट बाय द चांस वो सेम आ गया तो इससे आप कुछ ना होइए, ठीक है। हमने ये एवरेज डेप्थ फ्लो रखा है, तब जाके हमने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आया 2.1875। अब हमने हाइड्रोलिक रेडियस निकाला क्योंकि हमको विड्थ दिया नहीं गया था, तो हमने माना कि जो हमारा विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो के, इसलिए हमने यहाँ पे वही सेम हाइड्रोलिक रेडियस माना आर लमसम वाई इक्वल टू 1.6। तो अब यही हमारा फार्मूला है। अब ये जो हमारा 0.006 था, इसका हमने भी पिछले क्वेश्चन हमने फार्मूला देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा डी सॉरी डी वाई बाई डी एक्स था, ठीक है, वही हमारा डी वाई बाई यहाँ पे डी एल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला देखा था कितना, इस बेड स्लोप माइनस एनर्जी लाइन का स्लोप अपॉन 1 - v² / g1, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया ना कि एक फार्मूला ये भी हमने निकाल लिया, निकालते क्या थे, मेन कंडीशन तो यही है ना कि हमारा डेप्थ में कितना डिफरेंस है, मतलब कि एक यहाँ पे एक डेप्थ यहाँ पे है वाई वन और एक वाई टू, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है इस लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो हमने यहाँ निकाला था, स्लोप निकल के आ गया था, और ये वाला भी फार्मूला हमने डिराइव किया था। तो आप इसको फार्मूला को रखिएगा, तो डी वाई बाई डी एल हमको पता चल गया है 0.00667, और हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। यहाँ से एस बी हमारा बेड स्लोप 0.001 यहाँ पे दिया था ना 1/1000 का, तो इसको हमने सॉल्व किया 0.001 आया। एनर्जी लाइन स्लोप हमको पता नहीं है, और सारी वैल्यू हमको जो पता है वो हम पुट अप करते हैं। 1 - 2.1875 ये हमारा क्या है, वी वेलोसिटी हमारा यहाँ पे हमने निकाला
जी 9.81, और हमारा जो एवरेज डेप्थ फ्लो डेप्थ था वह था 1.6। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 0.001 माइनस SC 0.695। तो हमने इसको और अगर सॉल्व करने की कोशिश किया तो हम देखो इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.00667। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई पे 0.695, ठीक है, इक्वल टू 0.001 माइनस SE, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा SC इक्वल टू साइड इधर आ जाएगा, या फिर इसको ले जाएंगे उधर माइनस में, ठीक है। आप देख लीजिए कम ज़्यादा जो होगा, तो यहाँ पे 0.001 माइनस ये हमने मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया तो आया 0.000536, ठीक है। अब ये हमारा एनर्जी स्लोप था। अब एनर्जी स्लोप को हमने चेंजिंग फार्मूला से हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व क्या किया साथियों पता ही है, वी इक्वल टू सी ऑफ रूट इंटू एस, तो SE यहाँ पे स्लोप था वहाँ पर हमने क्या दिया एनर्जी स्लोप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रखा तो 2.1875 सी हमारा चेंजिंग फैक्टर हमको निकालना था, हाइड्रोलिक रेडियस हमने वहाँ पर 1.6 मीटर निकाल चुका है, SC यहाँ पे हमको मिल गया 0.000536, तो हमारा आया 0.293 सी। तो अब हम क्या करेंगे, सी निकालना तो इसको सेट करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल गया 2.1875 डिवाइडेड बाई 0.293 इक्वल टू 74.65, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रेजुअली वेरिएट फ्लो है, तो वहाँ पे चेजी का वैल्यू यहाँ पे ये आया, और हमें जब यूनिफॉर्म फ्लो होता है तो चेजी का कांस्टेंट चेजी वैल्यू हमारा 54.68 आया था। कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, दोनों में अलग अलग आ सकती है, मत सोचिए कि दोनों में सेम आनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को ये सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसलिए सॉल्व कराया साथियों क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से ट्रिकी क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश कर दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। अब बात करते हैं नया क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, आपका सहयोग चाहिए होगा, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये पूरा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी मैं अभी एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कराने वाला हूँ, ये सभी इस पैटर्न पे है जिस पैटर्न पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बोला गया ए वियर इंस्टॉल्ड अक्रॉस अ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल देयर बाय रेजिंग द फ्लो डेप्थ फ्रॉम 1.5 मीटर इन अ नॉर्मल फ्लो टू 2.5 मीटर एट अ वी। वियर क्या साथियों जानते हैं, जब आप चैनल बनाते हैं, ठीक है, हमको ऐसे चैनल है, अब हमको यहाँ पर्टिकुलर लोकेशन पे हमको वाटर को रेज करना है, ठीक है, हमको सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ करते हैं एक ऑब्स्ट्रक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो अब वाटर यहाँ पे जाके इंपैक्ट कर, धीरे धीरे हमारा क्या होगा, ये हाफ में क्या हो जाएगा, ये हमारा वाटर वहाँ पे राइज हो जाएगा, उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन, जो हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन बनाया गया, जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, इसको हम बोलते हैं वियर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि वियर बनाया गया किस लिए, जो हमारा वाटर का फ्लो डेप्थ 1.5 मीटर से बढ़ा करके 2.5 मीटर करने के लिए। द विड्थ ऑफ चैनल इज 10 मीटर और जो इसका बेड स्लोप है वो है 1 in 10,000 का, ठीक। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व, बैक वाटर कर्व मतलब जहाँ से वाटर राइज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब जाके वहाँ पे 2.5 मीटर हमारा वियर पे हुआ है, वो हमको लेंथ चाहिए, ठीक है। बट हमको कौन सा कंसिडर करना है, हमको कैलकुलेट करने के लिए हमको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डेप्थ और एवरेज स्लोप निकालना है, एवरेज स्लोप को कंसिडर करना है, ठीक है, उन दोनों सेक्शन के बीच का, ठीक। और यहाँ पे बोला गया टेक द वैल्यू ऑफ मैनिंग रुगोसिटी कोएफिशिएंट इक्वल टू 0.02। देखिए यहाँ पे मैनिंग कंस्टेंट दिया हुआ है, चेंजिंग कंस्टेंट नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम मैनिंग का फार्मूला भी रखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, चेंजिंग फार्मूले में जो मैनिंग वाला फार्मूला है उसे हम चेंजिंग कंस्टेंट निकालेंगे, तो हम चेंजिंग का फार्मूला रख सकते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो दिया क्या क्या गया है, पहले हमको विड्थ दिया गया है 10 मीटर का, डेप्थ फ्लो दिया गया है y1, एक जगह पे हमको 1.5 दिया गया, दूसरे पे 2.5 दिया गया है, ठीक है। y1 हमारा 1.5, y2 हमारा 2.5, यहाँ हमने राइट डाउन नहीं किया, ठीक है। जो विड्थ ऑफ चैनल 10 मीटर है, जो बेड स्लोप है 1 in 10,000 का है, ओके। अब हम सॉल्व करते हैं, तो इस वाले केस पे जो हमारा y1 सेक्शन है, y1 पे हमने बात किया जहाँ पे हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा कितना है, जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो जहाँ पे हमारा 1.5 मीटर है, तो वहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, a1 b1 into y1 हमारा सेम रहने वाला है 10 into 1.5, तो हमारा 15 मीटर स्क्वायर। वेटेड पेरीमीटर निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा विड्थ दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे वेटेड पेरीमीटर निकाल पा रहे हैं आसानी से। b1 into 2y1
इंटू टू इंटू टू 1.5 तुम्हारा 13 मीटर। तो हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है, तुम्हारा आ जाएगा एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर। तो हाइड्रोलिक रेडियस हमारा निकल गया 1.154। अब यहाँ पे चेंज फार्मूला लगाएंगे ताकि हमको वेलोसिटी निकल आए। वेलोसिटी इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि हमको वाई वन सेक्शन पे हमको एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है और वाई टू सेक्शन पर हमको स्पेसिफिक एनर्जी ई टू निकालनी है ताकि हम वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएँ, एवरेज डेप्थ निकाल पाएँ, एवरेज स्लोप भी हम वहाँ पे निकाल पाएँ। इसलिए सारी चीज़ हमको करनी पड़ रही है। तो हमने क्या किया, देखिए चेंज कांस्टेंट निकालना, चेंज कांस्टेंट हमको दिया गया है, चेंज कांस्टेंट निकाला गया, या फिर हम सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वी वन निकालना है ना, तो हम 1/n इंटू आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2, सेम वही फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पे हमने ये मैनिंग कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम इसको ना हटाकर हम यही फॉर्मूला रखेंगे तब भी हमको यही वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, 0.55 मीटर पर सेकेंड। मैं इसलिए स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये लॉन्ग क्रॉस पड़ जाएगा, आप इसमें फॉर्मूला रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, V1 इक्वल टू 1/0.02 इंटू आर हमारा था, देखिए यहाँ पे 1 × 1.54 की पावर 2/3 इंटू बेड स्लो हमारा कितना है 1 × 10,000 का, 1/10,000 डिवाइडेड बाई 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी निकल गया है 0.55। अब यहाँ पे हम एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, एनर्जी इक्वेशन क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। E1 इक्वल टू वाई वन प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है, y + v² / 2g। तो y1 हमको यहाँ पे था 1.5 और v हमने निकाला कितना 0.55 स्क्वायर / 2g। यहाँ पे 1.515 निकल गया हमारा, पहले सेक्शन पर क्या निकल गया, स्पेसिफिक एनर्जी निकल के आई। अब सेम चीज मैं यहाँ पे करूँगा सेकेंड सेक्शन पर करूँगा, जो हमारा y2 है, जहाँ पे हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो 2.5 मीटर है। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर किया, b1 निकाला हूँ, ठीक है, y2 मिला हमको, फिर एरिया फ्लो निकाला एट सेक्शन 2, वेटेड पेरीमीटर एट सेक्शन 2 निकाला, हाइड्रोलिक रेडियस निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकाल सकते हैं ना, देखिए अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एरिया जो हमारा डिस्चार्ज है उतना सेम रहेगा ना, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगा सकते हैं, नहीं a1 v1 = a2 v2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा चैनल है, डिस्चार्ज तो सेम ही होगा, ठीक है। हमने v2 निकाल लिया a1 v1 / a2 से, तो यहाँ पे देखिए a1 हमारा था 15, ठीक है, v1 हमने निकाला 0.55, ठीक है, डिवाइडेड बाई a2, एरिया कितना है दूसरे का 225, और निकल गया 0.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मतलब एनर्जी एट सेक्शन 2 निकालेंगे, तो यहाँ पे e2 = हो जाएगा y2 + v2² / 2g। तो y2 हमारा कितना है 2.5, हमने v2 निकाला 0.33 और हमने 2g की वैल्यू पता है हमको, यहाँ पे आ गया 2.505 मीटर, और हमको e1 मिल गया, e2 मिल गया। आइए हम बात करते हैं, सर जी हमने इसलिए निकाला, किसलिए निकाला, देखिए यहाँ पे हमको अभी एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ डाइवर्टर कर्व निकालना है l, ठीक है। जब हमको l निकालना है, l का फॉर्मूला हमने क्या था, l इक्वल टू हमारा है e2 - e1 / sb - se, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या क्या मिल गया है, e2 मिल गया है, e1 मिल गया है, बेड स्लोप हमको दिया गया, बट अभी एनर्जी लाइन बाकी है, अभी हमको एनर्जी स्लोप हमको निकालना बाकी रह गया। अब इस एनर्जी स्लोप को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एवरेज डेप्थ या फिर एवरेज स्लोप हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं, एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, y1 + y2 / 2, तो हमने निकाला एक जगह था 1.5, एक जगह था 2.5 और डिवाइडेड बाई 2 हमारा गया 2 मीटर। अब एवरेज डेप्थ एवरेज फ्लो भी निकालना है ना, ठीक है, एवरेज डेप्थ में हमारा फ्लो कितना होगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, एरिया अब यहाँ पे y हम रखेंगे 2, तो b हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे एरिया हमारा 2 रखने पर आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, वेटेड पेरीमीटर 2 रखने पर आ जाएगा हमारा 14 मीटर, ठीक है। क्योंकि इस केस में अब क्या हो गया, हमने एवरेज सारा चीज़ जो एवरेज डेप्थ ना वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको एवरेज फ्लो मिल जाएगा। फिर हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी को वही कंटिन्यूटी क्वेश्चन रखा, a1 v1 = area × v, अब यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज एरिया, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी = a1 v1, अब यहाँ पे a2 v2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं, कैसे वेलोसिटी निकाल पा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा v = a1 v1 / a, एरिया एट a1 सेक्शन हमारा 15 था, वेलोसिटी एट 1 सेक्शन पहले सेक्शन हमारा 0.55 था, और एरिया हमारा यहाँ पे अभी निकाला 20, तो यहाँ पे 0.4125 निकल के आया, ठीक है।
अब यहाँ पे हम निकालने लगाएंगे क्या, चेंजी फार्मूला। ठीक है, चेंजी फार्मूला क्या रखेगा, वही मैं जो बता रहा हूँ, बट वहाँ पे जो बेड स्लोप था वहाँ पे हम क्या रखेंगे, एनर्जी स्लोप रखेंगे, क्योंकि हमको एनर्जी स्लोप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, वन बाई एन, क्योंकि हमको मैनिंग कांस्टेंट बनता है, इंटू आर की पावर 2/3 इंटू एस ई की पावर 1/2, यहाँ पे एस ई। ठीक है, ये सभी वैल्यू पुट अप करते हैं। वी हो गया 1/n, यहाँ पे 0.02 मैनिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है, 0.02। ठीक है, इंटू हाइड्रोलिक रेडियस हमने यहाँ पे निकाला, कैसे, यहाँ पे देखिएगा 1.428, ठीक है, 1.428 की पावर 2/3 इंटू एनर्जी स्लोप हमको नहीं पता, तो यहाँ पे यही हम निकाल लेंगे। ठीक है, 1/ इसको हम सोल्व करेंगे, वेलोसिटी हमको यहाँ मिल गया है, वेलोसिटी कितना है 0.4125, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0.4125। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करें, इस वाले पोर्शन को, तो ये हमारा निकल के आता है कितना, 0.634। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा एस ई की पावर 1/2 इक्वल टू 0.4125। ठीक है, ये हमारा ये यहाँ से ऐसे निकल के आ जाता है। अगर हम यहाँ पे एस सी इक्वल टू करें, अब क्या हो जाएगा, 0.4125 डिवाइडेड बाई 63.4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो एनर्जी स्लोप निकल गया था, वो निकल गया था, सॉल्व करने पर आता है 0.000423। तो हमारा एस सी की वैल्यू निकल के आ गया। अब हमको जो फार्मूला पता है लेंथ निकालने का, ठीक है, लेंथ था बैक वाटर कर्व का E2 - E1 / SB - Bed Slope - Energy Slope। तो हमारा E2 हमारा हमने पहले निकाला था सेक्शन 2 पे, वो था हमारा एनर्जी 2.505 - 1.515। तो ये हमने यहाँ पे डाउन किया, बेड स्लोप हमारा था 1 in 10,000 का, तो 0.0001 निकल के आया, एनर्जी स्लोप हमारा निकल गया 0.000423। तो ये हमारा निकल गया 17157। ठीक है, लेंथ ये मीटर निकल के आएगा, इसको अगर हम किलोमीटर में निकल के आ रहा आएगा 17.157 किलोमीटर। तो ये वैल्यू है लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व की, मतलब कि इतना जहाँ पे हमारा 1.5 से डेप्थ ऑफ फ्लो 2.5 होने का डिस्टेंस हमारा कितना मिला, 17.157 किलोमीटर। ठीक है, एक ये केस हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा आपको ट्रिकी हो जाएंगे, अगर आता है अब मैं आपको बता दिया आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, यदि नहीं आता तो आप थ्योरी अटेम्प्ट करिए। बट कभी कभी क्या होता है कि दोनों न्यूमेरिकल आ जाते हैं और न्यूमेरिकल उसमें देखना पड़ता है कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है। तो यदि आप पढ़े हैं तो आप एक बार ट्राई तो करोगे ना, कुछ तो ले आओगे, कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ फॉर्मूले अप्लाई तो करोगे ना वहाँ पे। इसलिए साथियों ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ आप एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको थोड़ा सा पूछ लेता है, वो थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल सा होता है। ठीक है, और वो भी आपको आना चाहिए और आपको देखना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है अगला, वो हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और 22-23 के पेपर में आया हुआ है। बोला कि ए रेक्टेंगुलर चैनल विथ बॉटम विड्थ ऑफ 4 मीटर। ठीक है, जो बी है वह हमारा 4 मीटर है, जो स्लोप है वो हमको दिया गया 0.008, हैज अ डिस्चार्ज, देखिए डिस्चार्ज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए पूरा पढ़िएगा, पर मीटर विड्थ दिया होता तो इस्तेमाल क्यों होता, बट क्या दिया है, सिर्फ दिया 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे मान लिया कैपिटल क्यू डिस्चार्ज दिया गया है। इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इन दिस चैनल द डेप्थ ऑफ सर्टेन लोकेशन इज फाउंड टू बी 0.30। ठीक है, ये हमारा दिया गया हमारा क्या नॉर्मल, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ हमको दे रखी है। ठीक है, वाई ए मान सकते हैं इसको, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, एज्यूमिंग एन, मतलब यहाँ पे दिया गया मैनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है, सी नहीं दिया गया, 0.016, डिटरमाइन एंड स्केच द जीवीएफ प्रोफाइल। ठीक है, क्या हमको जीवीएफ प्रोफाइल हमको दिखानी है। तो आइए हम बात करते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमको निकालना है यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ, ठीक है, जो डिटेल दिया है ना ये सारी चीज, यहाँ से हमको नॉर्मल डेप्थ हमको निकालना है। ठीक है, थ्योरेटिकली जो नॉर्मल डेप्थ हमको निकालना है, तो नॉर्मल डेप्थ हमारा निकलेगा, देखा कैसे, मतलब जो मैनिंग इक्वेशन है उसमें हम सभी वैल्यू को पुट अप करते हैं, क्यू इक्वल टू 1/n ए इंटू आर पावर 2/3 एस पावर 1/2। तो साथ में एरिया हमारा क्या होता है, बी इंटू वाई, आर क्या हो जाएगा वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, और एस पावर 1/2, सभी वैल्यू यहाँ पे हमको दी रखी हुई है। ठीक है, बट हमको यहाँ पे यहाँ से निकालेंगे नॉर्मल डेप्थ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ रखी हुई है, बट यहाँ पे हमने y नहीं रखा, क्या
वाई नॉट हमने नहीं रखा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया 1.5 वन बाई एन, एन मैनिंग कॉन्स्टेंट हमारा 0.16, बी हमारा 4 था, 4y नॉट इंटू 4y नॉट अपॉन 4 प्लस 2y नॉट, ठीक है। इसको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जब आप सॉल्व करेंगे y, आप देखिए y, ये y कितना हमारा ये पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बराबर ये हो 2/3 का 2.12, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो y नॉट इक्वल टू आएगा, पहले से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा जो y नॉट जो हमारा नॉर्मल डेप्थ निकल के आएगा 0.426 मीटर, ठीक है। क्या यार वाई नट आया 0.426 मीटर। जब हमारी प्रोफाइल की बात करते हैं तो हमको तीन डेप्थ उनको पता होने चाहिए। एक हमारा होता है नॉर्मल डेप्थ, ठीक, चाहे वाई एन बोलो चाहे वाई नट बोलो, एक हमारा होता है क्रिटिकल डेप्थ, एक होता हमारा एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। इन तीनों के सहायता से ही हम प्रोफाइल बना पाएंगे। तो हमारा हमको पता चल गया नॉर्मल डेप्थ, अब निकालते हैं क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ का हमारा फार्मूला जो होता है वाई सी कल टू हमारा होता है यहाँ पे क्यूब होता है अपान डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ का स्क्वायर बाई जी, ये फार्मूला होता है जो हम यहाँ पुटअप करेंगे। तो उसके पहले हम डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ निकाल लेते हैं। तो क्यों हमारा दिया है फुल डिस्चार्ज 1.5 और एक मीटर हमारा है सॉरी विड्थ है 4 मीटर। तो ये हमारा निकल के आया डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ 0.375 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्रिटिकल डेप्थ निकाल पाएंगे, वो क्या रहेगी यहाँ पे देखिए √3 क्यू स्क्वायर बाई जी, तो √3 0.0375 का स्क्वायर अपॉन 9.8। तो हमारा क्रिटिकल हमारा डेप्थ निकल गया 0.243। हमको एक निकल गया नॉर्मल वाई सी और हमारा जो एक्चुअल डेप्थ है वो निकल गया है क्या 0.030। तो अगर हम इसको एक सीरीज में लगाएं, ठीक, एक सीरीज में अगर हम इसको अरेंज करें तो हमको देखने को मिलेगा कि जो हमारा वाई नॉट है, ठीक है, मतलब बात करें हम तो वाई सी लेस देन वाई लेस देन हमारा वाई नॉट, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ से वाई सी हमारा क्या है क्रिटिकल डेप्थ हमारा वाई नॉट से क्या है छोटा है, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ। तो यहाँ पे देखिएगा हर जगह देखिए यहाँ पे वाई सी हमारा क्या है इस वाले जब आप माइल्ड स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो क्रिटिकल डेप्थ होता है वो हमारा नॉर्मल डेप्थ से कम होता है या फिर हमेशा नॉर्मल डेप्थ ज़्यादा होता है। तो हमारा एक चीज़ पता चल गया कि अगर हमारा नॉर्मल डेप्थ क्या है हमारा क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है तो हमारा स्लोप कैसा होगा माइल्ड स्लोप होगा। बट उसमें भी माइल्ड स्लोप में तीन रीजन होते हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पे कौन सा होगा तो यहाँ पे देखिएगा वाई नॉट हमारा जो एक्चुअल डेप्थ कहाँ पे बीच में ना यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ कहाँ बीच में है तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप होगा जो फाइल बने ना वो M2 बन प्रोफाइल बने कौन सा M2 फाइल। इसलिए आपको ये चार्ट ध्यान देना है इसमें आप क्या बनता है यहाँ थोड़ा सा देखिएगा ये हमारा बेड हो गया ठीक है यहाँ पे एक लाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगी ठीक है एक मिनट जो प्रोफाइल बनेगी साथ ही क्योंकि प्रोफाइल पूछ लेता प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आपको ना। तो अब क्या होगा एक रीजन वन हो गया रीजन टू हो गया ठीक है और यहाँ देखिए वाई सी ये हमारा क्रिटिकल डेप्थ है ये हमारा यहाँ पे वाई सी लाइन हो गई ये हमारा वाई नॉट हो गया और वाई क्या होगा हमारा सेकेंड रीजन में ठीक है जो हमारा सेकेंड रीजन में कुछ इस प्रकार से आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी। जब आप वीडियो में देखेंगे तो आपने आपको बताया था कि सेकंड डिवीजन में हमारा माइल्ड स्लोप प्रोफाइल कैसे होती है तो आप कुछ इस प्रकार से आपको कर्व देखने को मिलेगा ठीक। तो ये हमारा था माइल्ड स्लोप का प्रोफाइल बनेगा यहाँ पे बोला गया था ना स्केच जीवी प्रोफाइल हमको ये वाला स्केच ये हमको ड्रा करके ही आना पड़ेगा ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको न्यूमेरिकल जो भी पॉसिबल था यूनिट 2 से जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं थी मैं सारे डिस्कस कर चुका। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप अभी तक बने हुए हैं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि साथ ही वो भी न्यू सिलेबस देख के जाएँ ठीक है पुराना सिलेबस में मत फंसे रहें ठीक है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए पूरा प्लेलिस्ट आपको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर आप सारा वीडियो कॉपी करिए अपने ग्रुप में पेस्ट कर दीजिए ठीक है और फॉरवर्ड कर दीजिए अपने दोस्तों तक ताकि वो भी न्यू सिलेबस देख के जाएं और इतने वर्ल्ड डिजन कोर्स आपको देख के जाएं इतने वीडियो में मात्र मैं कहता हूँ 16 से 17 वीडियो शायद इस प्लेलिस्ट में होंगे वो आप देख करके पूरा आप सिलेबस कवर कर लेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं न्यू सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।